बलविंदर सिंह सेखों ने जिहड़ा 50,000 पंजाबी नौजवान नशे ने मारिया उहदे संबंध में जे कोई सच बोलिया सच सुनाए सी सच की बेला उन्हें जे कोई सच बोलन दिया हिम्मत की आ तो उन्होंने अज जेल में पाया गया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साबका DSP सरदार बलविंदर सिंह सेखों और उन्हां दा एक साथी जिन्हां ने पहलों काफ़ी कुछ कहा कि हाईकोर्ट में इंज करना चाहिए जिहड़ियां नशे दियां रिपोर्टां ने उन्हां नूं खुलना चाहिए, लेकिन फिर उन्हें आप उत्थे हाजिर हो के भी ये गल कही सी कि जिहड़ियां रिपोर्टां उन्हां नूं जनतक करना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के बाहर उन्होंने जज साहबाना के खिलाफ कोई टिप्पणी करन ते जज साहब ने उन्होंने अज की डेट में 6-6 महीने की सजा भी सुनाई और 2,000 रुपये का जुर्माना भी किया। लेकिन यदा मतलब असल दे विच आ, मैं कोई हाईकोर्ट के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन यदा मतलब असल दे विच आ भी सच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वालों फिर चक्कियां पीड़ियां पईयां। बाबर के सामने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने सच बोलिया तो उन्होंने चक्की पीनी पई, सच बोलन वालों चरखड़ियाँ चढ़ना पिया, सच बोलन वालों बंद बंद कटवाना पिया। यही अज जिहड़ा हाल आ बलविंदर सिंह सेखों का। पर मैं एक आप जी को बेनती करनी चाहना कि जे सच बोलिया सरदार जसवंत सिंह खलर ने 25,000 लाश का उन्होंने नंगा किया कि उन्होंने लवारस कह के उन्होंने साड़िया गया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में वो संबंध में उन्होंने मुआवजा भी देना पिया और जोड़े बंदे सन मारन वाले कई सुसाइड कर गए व्डे व्डे, कई ने कई अज भी शायद मैं पक्का नहीं पता, शायद अज कई भी जेल जो भुगत रहे हैं। यदा मतलब असल दे विच है कि बलविंदर सिंह सेखों ने जिहड़ा 50,000 पंजाबी नौजवान नशे ने मारिया उहदे संबंध में जे कोई सच बोलिया सच सुनाए सी सच की बेला उन्हें जे कोई सच बोलन दिया हिम्मत की आ तो उन्होंने अज जेल में पाया गया। लेकिन असी ये संबंध में ये सरदार सुरेंद्र सिंह घरियाला जो मनुखी अधिकार संगठन के चेयरमैन भी ने होर भी एडवोकेट साहब नाल ने उन्होंने माण मर्यादा कायम रखद्या होया एक गल कही है कि असी सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करांगे और लोगों को भी यह गल दसन की यतन करांगे कि बलविंदर सिंह सेखों ते उसदे साथी जिहड़े ने वह सच बोल रहे हैं। सरदार हरप्रीत सिंह वर्गा इमानदार ने इमानदार DGP चट्टोपाध्याय वर्गे उन्होंने जिहड़े बंदियां दियां सानूं यह भी पता कि रिपोर्टां भी बदलियां जांदियां, पर जिन्नी जल्दी हाईकोर्ट जिहड़ा वह इहनूं नशर करेगा लोगों सामने रखेगा जिहदे विच राजनीतिक लोग भी फसणगे जिहदे विच अफसर साहिबान भी फसणगे और यह गल साफ हो जाएगी कि पंजाब दे विच वाकई जिहड़ी डेमोक्रेसी आ उहनूं जे बहाल रखना तो फिर उहदे विच हाईकोर्ट नूं बहुत जल्दी चाहिए। तो यह सी कि जदों पंजाब के पिंडां विच ते हाईकोर्ट सूह मोटो लैंदा, लेकिन जे किसी बंदे ने जाके सच बोलिया तो उन्हों जेल में किया जिसकी अं अज पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं और असी सुप्रीम कोर्ट भी जावे, असी मतलब लोगों को भी लामबंद करा कि नशे का कोड़ आ जोड़ा वह व्ढ़िया जाए। वाहगुरू जी का खालसा वाहू जी। ठीक है जी, जो बलविंदर सिंह सेखों हाईकोर्ट ने सबका DSP जोड़े ने उन्होंने हाईकोर्ट ने जी 6 महीने की सज़ा सुनाई है उसके संबंध ही की। बलविंदर सिंह सेखों का कसूर यो ही कि वह हाईकोर्ट में यो कहता है कि जिड़ियाँ को रिपोर्टा पे 4 रिपोर्टा पे उन्होंने खोलो तो जोड़े कसूरवार है उन्होंने सज़ा दते उन्होंने मुकदमे चलाओ उन्होंने सज़ा दे यो ही इस संबंध में उन्होंने अज उन्होंने सज़ा देती है जिड़ी कि मेरे ख्याल भी बहुत ज़्यादा सज़ा दी है। सच बोलने वाले सज़ा दी है कोई गल नहीं, उत्ते कोर्टा है सुप्रीम कोर्ट है साढ़े वकील भी उत्थे ह्यूमन राइट वकील सरदार RS बैंस जोड़े ने करे पैरवाई करे होर भी उत्थे वकील हाईकोर्ट के करे पैरवाई हाँ जी। हाईकोर्ट का फैसला मैम जो बड़ी हैरानगी की गल आ कि 6 महीने सज़ा देती आ एक अपना पहले नोटिस सीधी अपना सुप्रीम हाईकोर्ट ने सज़ा ही देती उन्होंने।
ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ